जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी असलियत दुनिया के सामने दिखा दी। उसने दिखा दिया कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बार पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है जिसे सुनकर हर कोई पाकिस्तान पर भड़क रहा है। करतारपुर में गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए पाकिस्तान शुल्क लेने पर अड़ा है, जबकि हिंदुस्तान चाहता था कि पाकिस्तान इस शुल्क को खत्म कर दे, लेकिन पाकिस्तान है कि इस पर राजी ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान भारत से जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से $20 सर्विस चार्ज वसूलेगा। सिख श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया और अब कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को शुल्क देना होगा। इससे हर साल तकरीबन पाकिस्तान को 555 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई होगी। दोनों देशों के अधिकारियों ने जीरो पॉइंट पर पहुंचकर 24 अक्टूबर को समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ साथ समझौते में श्रद्धालुओं के लिए कई चीजों की सीमा भी तय कर दी गई। श्रद्धालु अपने साथ वाईफाई, ब्रॉडबैंड, भारत या पाकिस्तान के झंडे, बैनर, शराब अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। करतारपुर के लिए जो भी श्रद्धालु भारत से जाएंगे वो केवल 11,000 रुपए और 7 किलोग्राम का एक बैग ही ले जा सकेंगे। उन्हें धर्मस्थल के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव भी उसी के मुताबिक है। ये अकलियतों के बारे में हमारी अप्रोच है, हम किसी और की अप्रोच के जिम्मेदार नहीं, अपनी अप्रोच के लिए हम जिम्मेदार हैं और हमने ये कर दिया। ये बहुत अहम बात थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि ये वीज़ा फ्री ट्रैवल है, नो वीज़ा, दे विल जस्ट वॉक इन। पासपोर्ट चाहिए होगा बिकॉज आइडेंटिटी के लिए, तो पासपोर्ट को स्कैन करके 2 मिनट से 3 मिनट्स का प्रोसीजर होगा और वो अंदर आ जाएंगे और शाम को उसी पे वापस चले जाएंगे। पासपोर्ट भी स्टैम्प नहीं होगा जी, एक एडवांस लिस्ट हिंदुस्तान शेयर करेगा करीबन 10 दिन पहले हर विजिट से। 9 तारीख को जो पहला जत्था आएगा, दी फर्स्ट ग्रुप विल कम ऑन द 9th। इट डजंट हैव टू बी ग्रुप, अकेले आना चाहते हैं तो अकेले आ जाएं, ग्रुप में आना चाहते हैं ग्रुप में आ जाएं। इवन पैदल, उनके को रिलीजियस उसके मुताबिक पैदल अगर चलना चाहते हैं पैदल भी चल सकते हैं और बसें भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो 10 दिन पहले वो हमें एक लिस्ट ज़रूर दे देंगे सो दैट कि हमें मालूम हो कि जी 9 तारीख को मिसाल के तौर पे 3,000 लोगों ने आना है, 10 तारीख को 4 ने आना है, 11 तारीख को 1,000, हम उनको प्रॉपरली रिसीव कर सकें और उसमें कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। $20 सर्विस चार्जेस जनाब बिल्कुल चार्ज किए जाएंगे जी, ये एक तिहाई से भी कम है जो खर्चा आपके सामने है, आप देख लेंगे ह्यूज है और इसको हम बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक नॉमिनल सा $20 सर्विस चार्ज है। खबर है कि 9 नवंबर को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था 5 नवंबर और दूसरा जत्था 6 नवंबर को रवाना होगा। इस दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारी दीपक मित्तल ने खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा भी पाकिस्तान के सामने उठाया और उन्होंने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों के सवाल को लेकर पाकिस्तान ने हमारी चिंता पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है और साथ ये भी कहा गया है कि जब भी इस तरह के तत्वों की जानकारी उनको मिलेगी वो इसे पाकिस्तान के साथ साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।